होली में गुजिया ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा गुजिया। उसके लिए हमने एक पाव मावा लिया है। अब हम उसको थोड़ा सा भूनेंगे ब्राउन होते तक। चलिए गैस ऑन करते हैं और भूनते हैं मावा। इसमें डाल देते हैं, ये होममेड मावा है, घर का बना हुआ। हल्की आंच में भूनना है, ज्यादा तेज आंच में मावा जल सकता है। धीरे धीरे भूनना है। ये डिश बहुत ही डिलीशियस होती है, सभी घरों में पसंद की जाती है, होली में अक्सर सभी घरों में बनती है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारा मावा उनके तैयार है, इसे खोआ भी बोलते हैं। चलिए अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आटा तैयार करेंगे गुजिया का। आटा तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी मैदा। उसमें डालेंगे घी 2 बड़े चम्मच ताकि मोयन अच्छे से आ पाए, और थोड़ा सा डालेंगे और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो गुजिया का ऊपरी वाली पापड़ी रहती है वो अच्छी नरम आती है। अच्छे से मिक्स करना है इसको जब तक ये ऐसा मुट्ठी बनने ना लग जाए। ये देखिए मुट्ठी बनना तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी ठंडा वाला, आवश्यकता के अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं गूंथना है, बस मिला के और छोड़ के रखना है। अच्छे से बाइंड कर लेंगे। ये हो गया, इसको ढक के रख देंगे। ये मावा ठंडा हो गया है। अब स्टफिंग तैयार करेंगे इसकी। इसमें मिक्स करेंगे नारियल पाउडर, बुरा जो छोटा होता है उसमें मिक्स करेंगे, पिस्ता, बादाम और थोड़े से काजू कटे हुए बारीक, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर। जायफल पाउडर ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद शक्कर पिसी हुई 3 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये तैयार है स्टफिंग के लिए गुजिया की, बिल्कुल अच्छे से मिल गया है ये। अब हम आटा को बेलेंगे, उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। उसे एक तरफ रख देते हैं। ये आटा नरम हो गया है। कोई भी फेस्टिवल हो जब तक मीठा नहीं बनता तब तक मज़ा नहीं आता है। अपने परिवार वालों को साथ मीठा खिलाते हैं हम सभी को। चलिए इसको अब बेल लेते हैं। ध्यान रहे कि इसमें आटा और तेल नहीं लगाना है। जैसे समोसे का पूड़ी बनाते हैं वैसी बेल लेंगे, थोड़ी पतली। साइड से थोड़ा गोल कर लेंगे। हो गया। आप चाहें तो कटर की मदद से भी काट सकते हैं, कटोरी की मदद से भी काट सकते हैं। ये देखिए ये कर रही पूरियां। अब हम अलग से आटा निकाल देंगे। बच्चे आटे के भी इसी प्रकार बना सकते हैं पूरियां। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। इस प्रकार से डालेंगे बीच में ताकि आसपास गिरे ना। सभी में डालेंगे। ये देखिए अब हम इसे मोड़ेंगे इस तरीके से। पहले कोने पे मोड़ेंगे। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। अब एक फॉक की मदद से दबाएंगे ताकि अच्छे से अटैच हो जाए दोनों पापड़ी के बीच की। ये देखिए
इसी प्रकार सारी पापड़ी तैयार कर लेंगे। पानी लगाएंगे पापड़ी में। ये बनके हो गई है तैयार पापड़ी। अब तेल गरम करते हैं। तेल को हल्का गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें गुजिया। हमको ऐसे डालना है इधर से उधर ताकि हमारे पास तेल ना आ पाए। ये देखिए सारी गुजिया डाल देंगे। जैसे जैसे गुजिया पकेंगी वैसे वैसे ऊपर आएंगी। ये देखिए हल्की आंच में ही तलना है हमें। पलटाते जाएंगे। गुजिया ब्राउन होने लगी है, अब हम एक एक करके निकालेंगे। टिश्यू पेपर में इसी प्रकार सारी गुजिया तल लेंगे हम। ये देखिए हमने सारी गुजिया तल ली है, अब करते हैं प्लेटिंग। बढ़िया गोल्डन कलर आया है। इसमें पानी लगाना पापड़ी में बहुत ज़रूरी है पैक करते समय। आप भी खाइए, आपके परिवार को भी खिलाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।